रेडी रोलिंग रोल है आसिम रोलिंग गुरमीत और नवीना क्या कहना चाहोगे न्यू ईयर है इतने सारे ऑडियंस है कितना स्पेशल फील हो रहा है और ऑडियंस को देख के भी कितने आप ज्यादा खुश हुए हैं आपके लिए इतने लोग यार 31st अगर ऐसा गुजरे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है इतने सारे फैंस के सामने परफॉर्म करना काम करना मुझे ऐसा लगता है कि 31st बहुत लोग पार्टी करते हैं लेकिन हम लोग काम करके भी पार्टी कर रहे हैं और इतने सारे फैंस के साथ इतना सारा प्यार मिल रहा है ऑसम रवीना आप क्या कहना चाहोगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सोच के अच्छा लग रहा है दैट पीपल हैव कम आउट आफ्टर 2 ईयर्स टू पार्टी और होपफुली हम एंटरटेन कर पा रहे हैं आज का कुछ लुक के बारे में आप बताना चाहोगे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं यार ब्लिंग है यार एकदम चमक धमक है 31st है तो मैं और देविना ने काफ़ी तो टाइम निकाला क्योंकि नॉर्मली 31st को हम थोड़ा सी इसलिए लेते हैं और हम कपड़े खुद हमने सेलेक्ट किए और हमें चाहिए था कि तो स्टेज पे जब दूर से भी खड़े हैं तो लोग हमें देख पाए तो मैंने देखा देविना ने बहुत ही अच्छा कुछ पहना हुआ है तो मुझे लगा इसे थोड़ा ज़्यादा चमक धमक होना चाहिए हाँ पहनना है तो ये पहन के बस कम्फर्टेबल भी हो डांस भी कर पाए परफॉर्म भी कर पाए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डांस परफॉर्मेंस इतने सारे ऑडियंस और जो लोग चिल्ला रहे थे चीयर अप इतना कर रहे थे क्या कहना चाहोगे बहुत अच्छा लग रहा है आई मीन एक्चुअली द थिंग इज इतने टाइम की बात कर रहे हैं लाइव ऑडियंस के लिए आई मीन टेलीवाइज्ड इवेंट बीच में किया लेकिन दिस इज़ फॉर द लाइव ऑडियंस और लाइव ऑडियंस में लोगों का रिएक्शन पता चलता है सामने खड़े होके इट्स नॉट कि आपने कर दिया कैमरे के सामने जब टेलीकास्ट हुआ लोगों ने घर पर देखा फोटो डाला एंड इट इज़ रियली फीलिंग वेरी नाइस आप क्या कहना चाहोगे गुरमीत यार वो जितना कहे उतना कम है 2 साल के बाद हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और ये साल को हम अलविदा कह रहे हैं ये साल मेरे और देविना की लाइफ का बहुत ही यादगार साल रहेगा इनफैक्ट ज़िंदगी भर ये साल हम याद रखेंगे हमारी 2 बेबीज़ आई हैं और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान हमारे बेबीज़ पे है हम बहुत चाहते थे कि हम दोनों बेबीज़ को यहाँ पे लाएँ 31st परफॉर्म करें बट दे आर वेरी स्मॉल बहुत छोटे हैं बट नेक्स्ट टाइम से फॉर शो जहाँ भी हम परफॉर्म करेंगे वो हमारे साथ रहेंगे कुछ प्लानिंग्स हैं न्यू ईयर लाइक आफ्टर पार्टी समथिंग बोल दें वेयर ऑन द ट्रिप वी हैव अ फैंटास्टिक प्लान एक्चुअली या दैट विल कम टू नो नॉट नाउ शादी हमने हाल ही में जो फोटोशूट देखा था क्रिसमस रिलेटेड सभी बहुत पसंद कर रहे थे सोशल मीडिया पे क्या कुछ प्लानिंग्स आप करते हो क्योंकि हमेशा से ब्लॉग में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखने मिलती है एक्चुअली मुझे लगता है मैंने ही सारी लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है अभी ऑनलाइन शॉपिंग होगी तो और भी अच्छा हो गया शॉपिंग एट योर डोरस्टेप सो बैठे बैठे मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी तो मैंने देखा मतलब बच्चों के साइज़ के कपड़े फॉर क्रिसमस तो फिर मैंने कहा 2 अलग अलग साइज़ के भी है तो फिर मुझे लगा वाई नॉट तो ये प्लान था बस उन दोनों का फ़ोटोशूट करेंगे लेकिन उस दिन हमारा भी कुछ था तो हम भी रेडी हुए थे तो चारों का ही फ़ोटोशूट हो गया और वो फोटो जो लोगों को पसंद आया वो हमारे घर पे भी फ्रेम होके लगेगा नए साल में क्या कुछ सरप्राइजेस आप देंगे 2023 वेल ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और आने वाला कल जो साल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और आई होप मैं जल्दी कुछ बता पाऊँ और जल्दी कुछ शेयर कर पाऊँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये साल है और रहेगा आगे आने वाला लास्टली अ विश टू द ऑल द ऑडियंस फॉर द न्यू ईयर जो हमें चोट लगी है अभी परफॉर्मेंस में जो खून पसीना हमने बहाया है और उसके लिए सच में ये पसीना और नीचे से हाँ देख लो ये देखो ऐसे मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ पूरे आप लोगों को लगता है कि हम लोग आराम से परफॉर्म करते बट अंदर तक पूरा छिला हुआ है बट थोड़ा भी ऐसा दर्द महसूस नहीं होता बिकॉज फैंस के लिए यू नो आप जब वो उनके लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए वो मेरे भगवान है मैंने जब देखा मैं जंप मारना है क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं अपने फैंस अपने ऑडियंस के पास जितना नज़दीक आ सकूं और वहाँ पे एक्चुअली बच्चे थे तो मैं जंप मार के गया और वहाँ पे बच्चों से मिल रहा था और खड़े होकर डांस कर रहा था क्योंकि उनको स्पेशल फील कराना है चोट वोट लग जाती छोटी मोटी चीज़ें हैं तो इतना ध्यान नहीं देता आप दोनों के अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को देविना और गुरमीत की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू